अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा आबाद रखे। वीवर आप देख रहे हैं आरएम डिश टीवी इन्फो। वीवर आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ मीडिया स्टार के मॉडल MS डायमंड Z1 की। ये देखें वीवर, कमाल का बॉक्स है और फुल 4K रियल 4K है और पाकिस्तान में जितने भी 4K एंड्रॉयड रिसीवर हैं उनमें सबसे ये अच्छा रिसीवर है। इसकी किट बहुत बड़ी है और रिसीवर भी काफ़ी वजनी है और अच्छा पायदार, मेरा अपना पसंदीदा रिसीवर है। इसकी मैं अभी अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके बाद आपको इसका मेन्यू भी चेक करवाऊंगा लेटेस्ट। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। रिसीवर आप इस रिसीवर में 15 मंथ तक चैनल देख सकते हैं जिनके रंग चेंज होते हैं और उसके अलावा आप 12 मंथ तक इस पर नेट के ज़रिए भी तमाम चैनल देख सकते हैं तमाम मुल्कों के, और इसमें आप 20,000 चैनल स्टोर कर सकते हैं और 1,000 नई TP इसमें 4,000 नई TP ऐड कर सकते हैं और 100 नई सेटेलाइट ऐड कर सकते हैं। कमाल का बॉक्स है, जितने भी फीचर आपको चाहिए तमाम के तमाम इसमें आपको मिल जाएंगे। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ, सारे सामने आपको मेंशन नज़र आ रहे होंगे। तो पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और फिर आपको इसका मेन्यू भी चेक करवाऊँगा। बहुत ही अच्छा रिसीवर है, किसी ने बाय करना हो तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर, और नए पुराने रिसीवर दोनों ही मैं फरोख्त करता हूं और बाय भी कर लेता हूं। तो इसको पहले कर लेते हैं जी हम ओपन। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर से डब्बा यानी कि हटाऊंगा तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा मैनुअल यूज़र, काफ़ी अच्छा है। ये देखें, ये मैनुअल यूज़र है इसका, और उसके बाद ये इसका बॉक्स है, बॉक्स काफ़ी वजनी है। तो थोड़ी देर तक मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको क्या कुछ मिलेगा। तो इसमें आपको एक HDMI लीड मिलेगी, बहुत ही अच्छी है, 4K के हिसाब से बनी हुई है, और आपको रिमोट मिलेगा, एक ही रिमोट मिलेगा जो सेंसर वाला होता है, और बहुत ही प्यारा पायदार अच्छा इसका रिमोट है, और रिमोट के लिए आपको सेल भी कंपनी साथ देगी। ये देखें जी, आपको इसके साथ सेल भी मिलेंगे। और उसके बाद ये दूसरा रिमोट है जो एयरबॉक्स भी है और रिमोट का काम भी करता है, ये ब्लूटूथ रिमोट है, बगैर आप दीवार के दूसरी तरफ भी जाएंगे तो ये काम करेगा। अगर आप इसको सेट करना चाहें फेंडर बनाकर तो आप इसको यहाँ से आप करेंगे ऑपरेट तो ये काम करेगा, और इसके साथ आपको ये वाईफाई का एंटीना भी साथ मिलेगा। ये इसका सामान है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स कैसा है। बहुत ही कमाल का बॉक्स है, एंड्रॉयड जितने भी रिसीवर हैं उनमें से सबसे मजबूत अच्छा पायदार ये रिसीवर है, और ये मैंने इसकी पैकिंग उतार ली है, और ये सामने वाला फ्रंट है। आपको सामने 7 बटन नज़र आएंगे, आप चैनल भी अप डाउन कर सकते हैं, आवाज़ भी अप डाउन कर सकते हैं, मेन्यू भी यहां से कर सकते हैं ऑपरेट, और भी काफ़ी इसमें फीचिंग आपको मिल जाएंगी। और ये इसके ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। सामने यहां आपको डब्बी मिलेगी खोलने के लिए, ये मैं अभी नहीं खोल रहा क्योंकि इसके ऊपर जो पैकिंग हुई है फिर वो उतर जाएगी, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं हटाऊंगा। और ये इसकी बैक साइड है, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपने कैसे इसको यूज़ करना है। यहां आपने तार लगानी है डिश की या डैश की स्विच की, और अगर आप आवाज़ ज़्यादा करनी चाहें तो यहां पर आप लीड लगा सकते हैं, ऑडियो वीडियो की लीड भी आप यहां लगा सकते हैं। HDMI आउटपुट आपने यहाँ लगानी है, नेट की तार आपने इधर लगानी है, और 2 USB पोर्ट मिलेंगी, एक ये वाली है एक साथ वाली है, और यहाँ पर आपने जो मैंने एंटीना दिखाया वो आपने यहाँ लगाना है, और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है, और ये इसकी सील भी आप चेक कर लें, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये इसके फीचर वगैरह हैं, अच्छा बॉक्स है, किसी ने भी बाय करना हो तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप यूज़ रिसीवर भी बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, और सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। तो व्यूअर चलते हैं TV की तरफ़।
वीवर ये मेन्यू इसका, सबसे पहले इंसुलेशन है, हम इसको प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंटीना सेटिंग, मैनुअल सर्च, फास्ट स्कैन, मोटर और ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। सबसे हम पहले चलते हैं जी एंटीना सेटिंग में, और यहाँ से हम अगर सैटेलाइट नहीं ऐड करना चाहेंगे तो आपने सैटेलाइट पर बटन पर ओके करना है, तो आपको नीचे ये डिलीट ऐड वगैरह के रंग नज़र आ जाएंगे। अगर डिलीट करना चाहें तो रेड पे चले जाएं, वरना ग्रीन पे चले जाएं। और इसी तरह अगर आपने नई फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो यहाँ पर भी आपने ओके का बटन प्रेस करना है, और नीचे ये देखें आपको रंग नज़र आएंगे। अगर ग्रीन करेंगे तो आप यहाँ पर नई फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमेशा आपने 51.5 रखनी है, बाकी ये तमाम चीज़ें आपको पहले भी मैंने समझा रखी हैं। तो सबसे नीचे सैटेलाइट सर्च पर लेफ्ट राइट बटन प्रेस करेंगे तो टीपी सर्च आ जाएगी, ब्लेंड वगैरह आ जाएगा। और इसके बाद ये मैनुअल सर्च है, यहाँ से आप कोई एक टीपी भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और उसके बाद ये चैनल मैनेजर है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये एडिट चैनल आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कोई भी चैनल मूव डिलीट वगैरह कर सकते हैं, ये आप पर मुनसर है। इसके लिए भी आपने ओके का बटन प्रेस करना है तो ये लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पर आप जो भी यूज़ करना चाहें कैटेगरी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और इसी तरह फेवरेट भी आप यहां से कर सकते हैं, और यहां से आप चैनल सेव भी कर सकते हैं, ये भी हो गया। और उसके बाद ये इसके ऐप वगैरह हैं, वो मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूं, और ये नेटवर्क भी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। ये अदर है, अदर में आपको इसका जो चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, वो भी मैं आगे चलकर दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग देख लेते हैं, और ये STB सेटिंग है, तो ST सेटिंग में आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, टाइम जो जे ओ SD सेटिंग, और इसी तरह जे आउटपुट सेटिंग, ये फुल 4K है व्यूअर, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो OSD सेटिंग है। तो उसके लिए पहले हम चलते हैं ये आउटपुट सेटिंग में, तो ये देखें व्यूअर, ये नीचे आपको 2160 नज़र आ रहा होगा, तो ये इसकी रेजुलेशन इतनी है। और ये एरिया सेटिंग है, यानी कि आप स्क्रीन को दाएं बाएं ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए ये चक्करवा देता हूँ, सबसे नीचे चलते हैं तो ये मैं 30 कर देता हूँ, तो ये देखें नीचे आपको ये स्क्रीन ऊपर नज़र आ जाएगी, लेकिन आपने हमेशा इसको 20 पर रखना है। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं कम और ज़्यादा। और ये रिकॉर्डिंग सेटिंग है, इसे भी आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। ये अदर सेटिंग है, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें नज़र आ जाती हैं, ये देखें आप यहाँ से कलर वगैरह, वॉल्यूम का भी आप कर सकते हैं कम और ज़्यादा, कलर भी चेंज कर सकते हैं, और भी आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बहुत ही प्यारा बॉक्स है, मेरा अपना पसंदीदा बॉक्स है, तो ये देखें। और उसके बाद ये CHMAX सेटिंग है, इसे भी आप ऑन कर लेंगे तो जो नए तरीके के चैनल हैं वो नज़र आ जाएंगे। आप यहां से इसको लॉक भी लगा सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। और जिसका अबाउट STV है, ये देख लें व्यूअर, कमाल का अब इसका नया अपडेट आई है, ये भी आप देख लें। और इसके बाद जो इसकी एंड्रॉयड सेटिंग है, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, इसका डिस्प्ले वगैरह, ऐप्स वगैरह, और भी काफ़ी कुछ आप यहां से चेक कर सकते हैं। इसकी मेमोरी और रैम वगैरह भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं, और USB के थ्रू भी आप अपडेट कर सकते हैं। मीडिया भी आपको यहां मिल जाएगा, और बाकी भी आपको यहाँ पर तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके जो ऐप हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जे इसके आल ऐप जो हैं, तो ये देखें व्यूअर, कमाल की लिस्ट आपको मिल जाती है, ये देखें। तो आप चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप जमा पर नया भी ऐप चाहें
तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इसका मीडिया है, और ये गेम्स वगैरह भी आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप पहले यहाँ पर सेव कर लें, वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। तो बहुत ही कमाल का बॉक्स है। नेटवर्क में जाएंगे तो ये पहले लैन मिल जाएगी, यानी कि आप इसमें डायरेक्ट तार लगा सकते हैं, और ये वायरलेस यानी कि इसमें यूएसबी का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें, ये मेरा नाम भी आ जाएगा एम रमज़ान, क्योंकि ये बिल्ट इन वाईफाई है। और ये 3G सेटअप भी आप इसमें लगा सकते हैं, और ब्लूटूथ का भी इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो कमाल का बॉक्स है, कोई भी अगर इसे बाय करना चाहे तो मेरा संग नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।